तो रेनॉल्ड्स ने अपनी न्यू जनरेशन डस्टर का लॉन्च रिवील कर दिया है, जो कि बाहरी कंट्रीज में डैशिया डस्टर के नाम से आती है, लेकिन इंडिया में ये रेनॉल्ड डस्टर के नाम से ही लॉन्च होगी, क्योंकि डैशिया एक रेनॉल्ड्स की ही सब्सिडी ब्रांड है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू जनरेशन रेनॉल्ड डस्टर के बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में। तो सामने की तरफ हमें मिल जाती है एक ब्लैक कलर की ग्रिल, इसपे क्रोम के एलिमेंट्स बने हुए हैं और बीच में डैशिया का लोगो मिलता है, लेकिन इंडिया वाले वर्जन में आपको डैशिया की जगह रेनॉल्ड्स का ही लोगो मिलेगा। इसके हेडलाइट्स में आपको क्रॉस सेक्शन वाले डीआरएल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे हमें लैम्बोर्गिनी की कार्स में देखने के लिए मिलती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा कूल लगती है। और अंदर हमको प्रोजेक्टर बेस हेडलैम्प में देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे आपको 12 स्प्लिट वाला बम्पर दिया जाता है। सामने का ओवरऑल लुक की बात की जाए तो काफी ज्यादा आपको इसके अंदर मस्कुलर लुक देखने के लिए मिल जाता है। और साइड में आपको 17 इंच के 12-12 अलॉयज देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसके रूफ में आपको काफी ज्यादा स्पोर्टी रूफ व्हील्स भी प्रोवाइड की गई है। रियर में आपको इसके अंदर कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे नई कटिंग एलईडी टेल लाइट्स और नया बम्पर, वो भी डुअल टोन स्प्लिट प्लेट के साथ। ओवरऑल इस गाड़ी में आपको पीछे से काफी कूल लुक्स देखने के लिए मिलेगी, लेकिन गाड़ी का जो बेस्ट पार्ट है वो है इसका फोर व्हील ड्राइव सिस्टम और इसकी बढ़िया ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज। नई डस्टर के लोअर वेरिएंट में आपको नॉर्मल फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम ही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कंपनी इसके टॉप वेरिएंट में आपको फोर व्हील ड्राइव की ऑप्शन भी प्रोवाइड करने वाला है, जो कि इस एसयूवी के लिए एक प्लस पॉइंट होगा इंडिया के अंदर। तो बात करते हैं इसके इंजन और पावर फिगर्स के बारे में। तो वो अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको दोनों ही वेरिएंट पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। तो सेंटर में देखने के लिए मिल जाती है आपको 8 इंच की टच स्क्रीन, उसके ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 3 एसी नोब्स। ड्राइवर साइड आपको 7 डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको स्पीड और बीएचपी मेजर करने वाली चीजें आपको सुनियो के अंदर देखने मिलेगी, और बाकी आपको बीच में एक एनालॉग स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी। इसके अंदर आपको और भी फीचर्स देखने के मिलेंगे, जैसे स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, रोटेटरी नोब और कीलेस एंट्री। लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको एक चीज मिसिंग देखने मिलेगी, वो है इस गाड़ी की सनप्रूफ, जो कि इंडिया में काफी लोगों को ये चीज पसंद नहीं आने वाली है। तो लास्ट में बात करते हैं गाड़ी के लॉन्च डेट और प्राइसिंग के बारे में। तो इस गाड़ी का एक्सपेक्टेड प्राइस 10 लाख से शुरू होकर 16 लाख तक जाएगा। और रही बात गाड़ी के लॉन्च डेट के बारे में, तो ये लॉन्च हो सकती है 2023 के लास्ट ऑफ मंथ्स में या फिर 24 के स्टार्टिंग में। तो अब देखते हैं कि कब ये गाड़ी लॉन्च होती है। तो ये था आज की वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।